हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं दी कंट्री साइड गाइस। दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूं नागदा जंक्शन पर। यहां पे हमने पिछली जर्नी को एंड करा था। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं इस स्टेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको इस स्टेशन के ऊपर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताना चाहता हूं। तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था जब तक मेरी नेक्स्ट ट्रेन आती, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये करिए कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते रहे बेल के आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। और दोस्तों, नागदा जंक्शन जो है वो है एक जंक्शन, और जंक्शन होने के नाते ये एक मेन लाइन बनाता है जो है दिल्ली मुंबई मेन लाइन। उसके अलावा एक लाइन जो बनाता है भाई उज्जैन जंक्शन के साथ, जो आगे जाके एक चली जाती है इंदौर को और दूसरी चली जाती है भाई रोड है, वो है NAD। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। अब कर लेते हैं खाने पीने की बात, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर जब कोरोना चल रहा है। अब कोरोना का नाम लिए तो आप बोलोगे भाई आपने मास्क नहीं डाला। मैं इस एरिए में अकेला हूँ, हालांकि मेरे पास 5-7 मास्क लेकर मैं चल रहा हूँ, बट इस टाइम नहीं पहन रखा हूँ क्योंकि मेरे को सफोकेशन होती है, मैं ज़्यादा देर मास्क नहीं पहन सकता। पर जब कभी मैं लोगों में होता हूँ तो आई डेफिनेटली वेयर मास्क। आप भी ज़रूर पहनिए। और अभी चलते हैं नाश्ते की ओर और देखते हैं कि नाश्ते में क्या क्या मिल रहा है, और अगर आप भी आते हैं तो आपको नाश्ते में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे और कितने का मिलेगा और कैसा मिलेगा, टेस्ट होएगा कि नहीं होएगा, हाइजीनिक होएगा कि नहीं होएगा। दोस्तों, मैंने अभी लिया है ये पोहा, 20 रुपये का है, बहुत ही मज़ेदार है मसाला वाला पोहा। आपने बहुत जगह से अलग अलग टाइम पे पोहा खाया होगा, पर उज्जैन और नागदा का पोहा जो बहुत फेमस है, इसलिए मैं चाहता था इसको अलग से ट्राई करूं, अलग से वीडियो बनाऊं। तो अभी हो भी रहा है। अब इसको खाने के बाद आपको बताएंगे कचौड़ी कैसी है। और दोस्तों, जितने भी यहाँ पर कार्ड्स होती है ना, जो जिस पर चाय मिलती है, ठेला जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से वहाँ ये चलाते रहते हैं, और जिस तरफ ये गाड़ी आई उस तरफ ले जाते हैं। पहले सारे के सारे ठेले खड़े थे इस वाली लाइन पर, अब वहाँ से आ रही है भाई जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, और जो सारे के सारे ठेले आप देख सकते हैं वो देखिए वो भी उधर जा रहा है, सारे के सारे इधर आ रहे हैं अभी। और इतनी देर में अब अराइवल देखिए जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, सॉरी दोस्तों, ये है बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस, हरिद्वार और बांद्रा के बीच चलने वाली गाड़ी है ये। ये वो गाड़ी नहीं जिसकी मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों, पोहे की अगर बात की जाए तो पोहा बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया बहुत पोहा खा के। और अभी मैं क्या करूँगा कि आपको कचौड़ी खा के बताएंगे, साथ साथ चाय पियेंगे और फिर थोड़ी देर में जाएंगे अपनी यात्रा नहीं शुरू करेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने 3-4 कचौड़ी अपने लिए पैक करवा ली है, बिकॉज हमारे वहाँ पर तो कल्चर नहीं कचौड़ी का। और ये जो कचौड़ी है ये भाई साहब अभी अभी बनाई है भाई साहब ने, और भाई क्या इसकी फ्रेग्रेंस है, क्या इसकी स्मेल है, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, और गर्म भी है। इतना ही मज़ा आ गया, मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप कभी भी स्टेशन पे जो वेंडर्स होते हैं उनकी बजाय अगर आप जो परमानेंट स्टॉल होते हैं उनसे सामान लेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, जैसे कि मैंने लिया है। तो दोस्तों, 0924 जिस गाड़ी से हम आए थे नागदा जंक्शन, और उस गाड़ी को कपलिंग करते करते 45 मिनट लग चुके हैं, कोई लोचा हो गया था, अभी सारा कुछ सॉर्टेड हो चुका है और गाड़ी डिपार्चर के लिए रेडी है। सो दोस्तों, उधमपुर इंदौर जा रही है अपने रिवर्सल के बाद, और प्लेटफॉर्म नंबर पाँच पर आई है जोधपुर इंदौर, जो कि लगने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये खड़ी थी, इसका कपलिंग में टाइम लग गया था, तो भाई उसको लगाया गया अभी 5 नंबर पर। और शायद मुझे यहाँ तक लग रहा है कि उसका भी रिवर्सल होगा, क्योंकि वो भी गाड़ी इंदौर जाएगी। जो भी गाड़ी यहाँ पर आती है वेस्टर्न लाइन से होकर, अगर वो इंदौर जाएगी तो भाई उसको यहाँ पर कपलिंग होना जरूर, यहाँ पर रिवर्सल होना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी गलती से रिवर्सल बोल दी है, कपलिंग बोल दी रिवर्सल की, सॉरी। और ये देखो स्पीड भाई, प्लेटफॉर्म पे ही 40। ऑलरेडी लेट है तो थोड़ा खींच रहे हैं। तो दुरंतो का भी एक कोच है भाई इसमें। चलो बाय बाय। तो दोस्तों, कचौड़ी अच्छी थी तो मैंने पैक करवा ली है, ये देखिए लिफाफे में। और इसी दौरान मैंने ले ली है चाय, और आप स्नेही
चाय पोहे समोसे कचौड़ी के हर जगह ही शोर है। बस ये देखिए दोस्तों, इस टाइम मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर, जहाँ पे मेरी अगली जर्नी है। और SD कैम जो कैमरा मैं यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग के लिए, जिससे मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। एक बार पहले भी दोस्तों लखनऊ में ख़राब हो गया था और इसको मैंने ठीक नहीं कराया, बस इसके साथ थोड़े से पंगे किए तो खुद ब खुद ठीक हो गया। अभी फिर से वही ये तकनीकी प्रॉब्लम जिसमें आ रही है, तो मुझे श्योर नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और कुछ ऐसा दिखता है नगदा रेलवे स्टेशन ऊपर से, और सामने आप देख सकते हैं फ्लैग इंडिया का। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए मेरा भी, और अच्छा सा कमेंट करके। और साथ ही साथ क्या करिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर नहीं किया हुआ। मैं आपको मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ, पूरा ब्लॉग इन्फॉर्मेशन ही सिर्फ पूरा ब्लॉग बनाऊँगा, कहाँ से लेके आपको जल्दी पता चल जाएगा इंस्टाग्राम पे जाके। तो जय हिंद। तो गाइस, सामने आप देख सकते हैं हबीबगंज और नई दिल्ली शताब्दी, मतलब भोपाल शताब्दी है, जो हबीबगंज से निकलकर भोपाल से निकलकर जा रही है दिल्ली की ओर। तो दोस्तों, ये देखिए 10-10 रुपए के दाने लिए हमने मूँगफली के, ये अम्मा से। अम्मा कहाँ रहते हैं आप? बेरशा। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही ट्रेन में घूम के 20 साल से। अच्छा, तो भाई साहब ये वो भाई हैं जो आ नहीं सके थे, और इन्होंने बड़ी कोशिश की पर आउटर तक रह गए। और इनका इंस्टाग्राम मैं बता रहा हूँ, बहुत लाजवाब पिक्चर्स लेते हैं। अगर आप इनका इंस्टाग्राम देखेंगे तो इनके इंस्टाग्राम और इनके फोटोग्राफी स्किल से बड़ा इंप्रेस होंगे। तो भाई साहब, आप जल्दी अगली बार पक्का मिलेंगे, अभी के लिए वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, अगली बार ही मिलते हैं। दोस्तों, साजिलपुर एक ऐसा स्टेशन है जो मैंने मिस कर दिया था अपनी एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी के दौरान,